ठीक है, ये देखा जाए तो पहला चैप्टर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अभी तक जो हम लोग पढ़े, देखिए वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक का सफर पढ़े। सबसे पहले समझ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जैसे बना है ना, किस माहौल में बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वगैरह क्या था, है ना, उसमें कितने मेंबर थे, कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया तो क्या क्या उसमें डिफिकल्टीज आई, ये सारा चीज हम लोग अभी तक पढ़े हैं। अभी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ना एज सच स्टार्ट नहीं किए थे, समझ आ गया ना। ये बस सफर जो था आजादी के बाद से कॉन्स्टिट्यूएंट बनने तक का वो हम लोग पढ़े थे, समझ आ गया। तो आज हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर वन यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो देखिए यूनियन वन आर्टिकल वन जो होता है वो क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब देखिए अभी रिसेंट में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत जगह देखने को मिल रहा था कि हम इंडिया नहीं बोलेंगे भारत बोलेंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जानता था कि ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है इसमें, ठीक है ना, वो जानते थे हमारे पॉलिटिशियंस ऐसा नाटक कर देंगे, इसीलिए उन्होंने दोनों वर्ड को जगह दिया था, इंडिया को भी जगह दिया था और भारत को भी जगह दिया था, है ना। तो इस बात पर कभी लड़ाई होना ही नहीं चाहिए कि इंडिया हम लोग को बोलना है कि भारत बोलना है, ठीक है, क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ये दोनों को इक्वली जगह दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कुछ लोग बोल रहे थे नहीं इंडिया नाम नहीं होना चाहिए भारत नाम होना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे थे नहीं भारत नहीं इंडिया अच्छा लगता है, तो दोनों वर्ड्स को एक साथ जगह दिया गया कि इंडिया जिसका नाम भारत होगा वो यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। कोई दिक्कत है, तो इंडिया और भारत दोनों हमारे देश का नाम है, समझ आ गया। शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स से कहने का क्या मतलब है कि राज्यों का एक संघ होगा, मतलब राज्य मिल करके एक स्टेट का निर्माण करेंगे जिसको बोला जाएगा हमारा इंडिया। अब देखिए यूनियन से दो चीज होता है, एक होता है एक यूनियन होता है और एक होता है फेडरेशन। फेडरेशन मींस होता है डिवीजन ऑफ पावर्स, जब आप पावर्स को डिवाइड करते हैं इक्वली बिटवीन सेंटर एंड स्टेट तो दैट इज कॉल्ड फेडरेशन, समझ आ गया ना। फेडरेशन में क्या होता है, जो छोटे छोटे राज्य होते हैं उनको ये इजाजत होता है कि आप बड़े राज्य या बड़े स्टेट यानी कि इंडिया से, जैसे हमारा इंडिया कंट्री हो गया, उससे आप अलग भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेरिका, अमेरिका में फेडरेशन है, 500 स्टेट मिली है तब जाकर के अमेरिका का निर्माण हुआ है। हमारे देश में ऐसा सिचुएशन नहीं है, हमारे देश में जो ये इंडिया है इसको बांटा गया छोटे छोटे टुकड़ों में जस्ट बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। ये नहीं समझिए कि छोटे छोटे स्टेट मिलकर के एक बड़ा देश का निर्माण कर रहा है, ऐसा सिचुएशन हमारे देश में नहीं है। डिफरेंस समझ में आया, जब एक देश छोटे छोटे हिस्से में तोड़ा गया है जस्ट बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छा से हो सके, प्रशासन अच्छे से काम कर सके, तो उसको कहा उस सेंस में हम लोग इसको कह रहे हैं यूनियन ऑफ इंडिया। और फेडरेशन कब होगा, जो छोटे छोटे देश या छोटे छोटे राज्य मिल करके एक बड़ा देश का निर्माण किया है, समझ आ गया ना। छोटे छोटे पीसेस का जब जोड़ करके कोई बड़ा पीस एक्यूमुलेट हुआ तो दैट इज कॉल्ड फेडरेशन, और जब एक बड़ा पीस को छोटे छोटे पीस में तोड़ा गया है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए तो दैट इज कॉल्ड यूनियन, समझ आ गया। तो हमारा इंडिया जो है बात दोनों सेम ही है, देखो कोई बुरा या कोई अच्छा नहीं। अमेरिका में भी ऐसा है कि अमेरिका में 50 स्टेट ने आपस में रजामंदी किया और एक बड़ा देश का निर्माण किया तो उनको फेडरेशन बोलते हैं। इंडिया में कोई छोटे छोटे राज्य मिलकर के नहीं निर्माण किए इंडिया को, हम लोगों ने इंडिया को बनाया और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासन अच्छा से काम कर सके अपने कन्वीनियंस की वजह से उसको छोटे छोटे हिस्से में तोड़ दिया, इसीलिए हमारा जो संघ है उसको यूनियन ऑफ इंडिया कहा जाता है ना कि फेडरेशन ऑफ इंडिया, जबकि हमारा देश में भी फेडरेशन है। फेडरेशन मींस होता है डिवीजन ऑफ पावर, आपको डिवीजन ऑफ पावर इंडिया में देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है, सब्जेक्ट्स में देखने को मिलता है ना, सेंट्रल स्टेट के रिलेशन में देखने को मिलता है। हमारा यूनियन भी एक तरह का फेडरेशन ही है जैसे अमेरिका में फेडरेशन है, बट बस थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पर राज्यों को बड़ा देश यानी कि इंडिया से अलग होने का इजाजत नहीं है क्योंकि वो इसके पार्ट है, इंडिया ने उनको बनाया, उन्होंने इंडिया को नहीं बनाया। बट ऑन द अदर हैंड अमेरिका वगैरह में राज्यों को इजाजत है कि वो यूएसए से अलग भी हो सकते हैं, समझ गया ना, लेकिन ये इजाजत हमारा इंडिया नहीं देता। तो इसीलिए हम लोगों ने ये वर्ड को यूज किया कि यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स होगा। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया, यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या होता है, फेडरेशन ऑफ स्टेट क्या होता है। हमारा यूनियन भी एक तरह का फेडरेशन है, बट बस सिंपल सा डिफरेंस यही है कि हमारा फेडरेशन में स्टेट जो होता है वो इंडिया से अलग अपने आप को नहीं कर सकता, इसीलिए हम लोग इसको यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं, ठीक है ना। अब यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी कि अभी हमारे करंट में 28 स्टेट्स है कि नहीं है, और 8 यूटीज है, ये सब मिलकर के हमारा आर्टिकल 1 में आ जाते हैं कि इंडिया का निर्माण करते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक, समझ आ गया। आर्टिकल 1 का क्लॉज 2 क्या कहता है, स्टेट्स दैट द स्टेट्स एंड टेरिटरीज विल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो पहला शेड्यूल में जैसे कि कल आप लोग पढ़े कि इंडिया और उनके स्टेट्स के बारे में बात होगा, तो ये पहला शेड्यूल में दिया हुआ ऑलरेडी है कि इंडिया और उनके 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज इंडिया के पार्ट होंगे। तो आर्टिकल 1 हमारा क्या कहता है, समझ आ गया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, समझ आ गया। यूनियन ऑफ स्टेट क्या होता है, वही जो आपको बता दिए कि सारे स्टेट्स को एक बड़ा देश से छोटे छोटे स्टेट्स को बांटा गया है ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस अच्छे से हो सके। कोई दिक्कत है, अब देखिए आर्टिकल 1 आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। और देखिए यहाँ पर क्या है, टेरिटरी ऑफ इंडिया विल कंप्राइज द फॉलोइंग थिंग्स,
तो यानी कि जब हम लोग बोल रहे हैं कि इंडिया का टेरिटरी में ये चीजें होंगे तो क्या कहने का मतलब हो गया? एक देखिए, एक होता है यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स जब हम लोग ये बोलते हैं तो इसका मतलब हो गया सिर्फ स्टेट का बात हो रहा है, 28 स्टेट्स का बात हो रहा है। लेकिन जब हम टेरिटरी बोलते हैं, जब हम टेरिटरी बोलते हैं तो टेरिटरी एक बड़ा वर्ड है जिसमें स्टेट्स भी आ जाती है, यूनियन टेरिटरीज भी आ जाती है, और ऐसे टेरिटरीज भी आ जाएंगे जो बाद में हम लोग इन केस हमसे मिलना चाहेंगे। समझ गया? कल को मान के चलिए पाकिस्तान भी हमसे मिलना चाह रहा तो वो भी हमारे पास आ सकता है, क्योंकि हमारा डेफिनेशन टेरिटरी ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा है। इसमें क्या है, जो इंडिया की स्टेट है वो तो इंडिया का पार्ट एंड पार्सल है ही, यूनियन टेरिटरीज पार्ट एंड पार्सल है ही, और ऐसे टेरिटरीज जो बाद में इंडिया का हिस्सा बन सकते हैं उनको भी जगह दिया जाएगा आर्टिकल 1 के तहत। समझ गया? तो इंडियन टेरिटरी जब हम लोग बोलते हैं, जब हम लोग यूनियन ऑफ स्टेट बोलते हैं तो यानी कि आपको समझना है कि सिर्फ स्टेट्स का बात हो रहा है, 28 स्टेट्स का बात हो रहा है। पर जब हम लोग टेरिटरी ऑफ इंडिया बोलते हैं तो टेरिटरी ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा टर्म है जिसमें यूनियन टेरिटरीज भी आ जाता है, स्टेट्स भी आ जाता है, और ऐसे टेरिटरीज जो बाद में इंडिया ऑक्यूपाई कर सकती है वो भी इसमें आ जाएगा। तो इंडिया ये तीनों चीज का कॉम्बिनेशन से बनेगा। समझ गया? किस किसी का कॉम्बिनेशन, जो अभी स्टेट्स है, जो अभी यूनियन टेरिटरीज है, और जो फ्यूचर में कोई स्टेट्स अगर आना चाहेंगे या कोई कंट्री मिलना चाहेगी तो वो भी मिल करके हमारा इंडिया का निर्माण करेगा। तो ये आपको समझ में आ गया आर्टिकल 1 क्या कहता है? वही बात है यहाँ पर लिखा हुआ, आर्टिकल 1 डिस्कस इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सेड दैट इंडियन फेडरेशन वाज अ यूनियन बिकॉज इट वाज इनडिसॉल्युबल। इनडिसॉल्युबल मींस क्या हो गया, इसको स्टेट्स के पास ये राइट नहीं है कि वो अलग हो सके सेंटर से, हमारी स्टेट में उतना ताकत नहीं है कि वो सेंटर से अलग हो सके, इसीलिए इनको ये वर्ड बोला गया। एंड नो स्टेट हैज द राइट टू सेपरेट फ्रॉम द इंडियन यूनियन, और किसी भी स्टेट के पास ये अधिकार नहीं है कि इंडियन यूनियन से वो अपने आप को अलग कर सके। द कंट्री इज वन इंटीग्रल यूनिट, कंट्री एक समझ लीजिए पूरा एक है, समझ में आ गया ना। बिसाइड द फैक्ट दैट इट कंसिस्ट डिफरेंट स्टेट्स फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बस एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा सा हो सके, प्रशासनिक सेवा अच्छा से हो सके, इसीलिए कंट्रीज को छोटा छोटा स्टेट्स में बांटा गया है, नहीं तो पूरा इंडिया ही है। समझ गया ना, बस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों ने इसको छोटे छोटे हिस्सा में बांटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखिए ये ऑलरेडी आपको समझा दिया, यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया में थोड़ा सा अंतर है। जब यूनियन ऑफ इंडिया का बात करते हैं तो यानी कि हम लोग सिर्फ स्टेट्स का बात कर रहे हैं, जब टेरिटरी ऑफ इंडिया का बात करते हैं तो स्टेट्स का बात करें, यूटी का बात करें, और ऐसे टेरिटरी जो बाद में ऑक्यूपाई कर सकती है इंडिया उसका भी बात कर रहे हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, यूनियन ऑफ इंडिया और टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया इज बिगर टर्म देन यूनियन ऑफ इंडिया, विदाउट यहां तक नहीं। अब देखिए आते हैं आर्टिकल 2 में, आर्टिकल 1 समझ में आ गया, इंडिया दैट इज भारत सेल्फ यूनियन ऑफ स्टेट, सिंपल था। आर्टिकल 2 इट डील्स विद एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स बेस्ड ऑन टर्म्स एंड कंडीशन। तो देखिए इसमें ना न्यू स्टेट्स को जोड़ा जा सकता है, जब आर्टिकल 3 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में थोड़ा सा कुछ डिफरेंस हम आपको बताएंगे। आर्टिकल 2 हमारा कहता है कि अगर कोई ऐसा स्टेट को आपको जोड़ना है इंडिया में जो अभी फिलहाल इंडिया का हिस्सा नहीं है तो उसको हम लोग किसके थ्रू जोड़ेंगे, आर्टिकल 2 के थ्रू जोड़ेंगे। पर जैसे अभी मान लीजिए बलूचिस्तान इंडिया का पार्ट नहीं है, ठीक है, अगर बलूचिस्तान को इंडिया का पार्ट बनाना है तो हम आर्टिकल 2 के थ्रू उसको बना सकते हैं। समझ आ गया ना, और आर्टिकल 3 जब पढ़ेंगे तो उसमें भी कुछ डिफरेंस आएगा, आपको बताया जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब क्या, वैसा स्टेट्स और वैसा यूनियन टेरिटरी जो अभी इंडिया का पार्ट नहीं है, अभी इंडिया का पार्ट 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है, इसके अलावा कोई भी एक स्टेट को या कोई भी एक यूनियन टेरिटरी को जो अभी इंडिया का पार्ट नहीं है उनको जोड़ा जाएगा तो वो किसके तहत जोड़ा जाएगा, आर्टिकल 2 के तहत जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो इसके तहत हम लोगों ने बहुत सारे स्टेट्स को जोड़ा, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो सारे स्टेट्स जो थे हमारे राज्य में, हमारे इंडिया में, वो इंडिया से नहीं जुड़े थे, बहुत सारे स्टेट्स थे जो काफी अलग थे, जैसे सिक्किम फॉर एग्जांपल, सिक्किम उस समय भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था, वहां पर अपना डायनेस्टी चल रहा था, तो सिक्किम बाद में आया इंडिया में आजादी के बाद, 1950 के बाद भी इनफैक्ट आया। तो ऐसे में हम लोग क्या देखेंगे कि बाद में हम लोगों ने सिक्किम को इसमें आर्टिकल 2 के तहत ही ऐड किया 1975 में, क्योंकि सिक्किम उस समय इंडिया का पार्ट नहीं था, बाद में बना। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स है जो इंडिया का पार्ट नहीं था आजादी के वक्त, ठीक है ना, गोवा, पुडुचेरी, बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जहां पर अपना कोई फ्रेंच चल रहा था जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो ब्रिटिश से हम लोग आजाद हो गए थे, पर साथ में पोर्टुगीज हो गया, फ्रेंच हो गया, डच हो गया, अभी भी हमारे कंट्री में थे अलग अलग हिस्सा में और अलग अलग एरियाज को ऑक्यूपाई करके थे, जैसे पौंडीचेरी में फ्रेंच लोग थे, गोवा में भी बहुत सारे फॉरेनर्स थे जो कब्जा करके रखे थे पोर्टुगीज वगैरह। तो ब्रिटिश तो 1947 में चले गए, बट पोर्टुगीज हो गया, डच हो गया, सारे लोग नहीं गए थे 1947 में,
समझ गया ना, तो ब्रिटिश से हम लोग ने मेजोरिटी ऑफ द इंडिया को तो मतलब समझ लीजिए फ्रीडम पा लिया था, बट कुछ स्टेट्स ऐसे भी थे जो इंडिया में अभी नहीं आए थे, वो फॉरेन स्टेट्स कहलाते थे। बाद में जब धीरे धीरे हमारी इंडियन आर्मी और बाद में मतलब और समझौता वगैरह हो करके फिर वो लोग भी छोड़े और धीरे धीरे वो स्टेट्स को भी हम लोग अपने में बाद में जोड़ते चले गए। जैसे आपको देखने को मिलेगा पौंडीचेरी जिसको पुडुचेरी बोला जाता है, गोवा हो गया है ना, दामन एंड दीव हो गया, सिक्किम हो गया, ये सब आजादी के बाद हम लोग से जुड़ रहे हैं, समझ गया ना। तो जब ये सब स्टेट्स को जोड़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सिक्किम को, तो किसके तहत जोड़ रहे हैं? आर्टिकल 2 के तहत। क्यों आर्टिकल 2 के तहत जोड़ रहे हैं? क्योंकि सिक्किम उस समय में जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज था उसका पार्ट इंडिया का नहीं था, तो नया स्टेट एडमिशन हो रहा था, तो नया स्टेट को अगर एडमिट करना है तो आर्टिकल 2 के तहत करेंगे, तो दिक्कत है। इसीलिए सिक्किम को भी आर्टिकल 2 के तहत हम लोग जोड़े थे, समझ में आ गया। आगे आते हैं थोड़ा सा आर्टिकल 3। अब देखिए आर्टिकल 2 अच्छे से समझ गए तो आर्टिकल 3 भी समझिए, थोड़ा सा इसको क्या डिफरेंस समझिए। इट स्टेट्स दैट द पार्लियामेंट मे बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ अ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स कंप्लीटली और इन पार्ट्स और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। कहने का क्या मतलब हो गया समझिए। आर्टिकल 2 हम लोग को बोल रहा था कि नया स्टेट किस तरह से इंडिया में जुड़ेगा, आर्टिकल 3 बोल रहा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स है हमारे में उनमें किस तरह का मॉडिफिकेशन हो सकता है। जैसे अभी ऑलरेडी स्टेट्स 28 है ना, मान लीजिए यूपी है, यूपी काफी बड़ा है ना, हम लोग चाहते हैं यूपी को थोड़ा सा 2-3 स्टेट में तोड़ दे, इलाहाबाद तोड़ दे अलग है ना, प्रयागराज को अलग कर दे, मान के चलिए ऐसा कुछ बात हो रहा, तो अगर इसी स्टेट से हमको 2-3 स्टेट्स और निकालना है तो हम लोग आर्टिकल 2 के तहत नहीं आर्टिकल 3 के तहत करेंगे। मतलब एग्जिस्टिंग स्टेट्स जो हमारा है अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, उनका बाउंड्री में छोटा या बड़ा करना, उनका बाउंड्री का एरिया घटाना या एरिया बढ़ाना है या नाम बदलना है, समझ गया ना, या एक स्टेट को तोड़ करके 2-3 स्टेट बनाना है या 2 स्टेट को मर्ज करके एक स्टेट बनाना है, ये सारा चीज होगा आर्टिकल 3 के तहत, समझ गया। यानी कि अभी एग्जिस्टिंग 28 स्टेट है, ये 28 स्टेट के साथ आपको कुछ भी करना होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन रिमूव है ना, बाउंड्री बड़ा करना बाउंड्री छोटा करना, नाम बदलना है, मर्ज करना है, डीमर्ज करना है, अगर एग्जिस्टिंग स्टेट्स के साथ आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो आर्टिकल 3 के तहत होगा, और अगर आप कोई न्यू स्टेट को ला रहे हैं जो अभी एग्जिस्टिंग नहीं है इंडिया का पार्ट में, वो आर्टिकल 2 के तहत होगा। तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में अंतर समझ में आ गया, समझ में आ गया। यानी कि वही बात है जैसे बिहार से झारखंड अलग हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, तो ये किस आर्टिकल के थ्रू होगा? 3 के तहत, क्योंकि बिहार ऑलरेडी हमारा स्टेट था, बिहार से हम लोग अलग हो गए 2000 में, 15 नवंबर 2000 को, तो जब बिहार से हम लोग अलग हुए तो बिहार ऑलरेडी हमारा हिस्सा था कि नहीं, यही बिहार को तोड़ दिया गया झारखंड में, हमारा साउदर्न पार्ट जो बिहार का था वो झारखंड बन गया, तो जब साउदर्न पार्ट झारखंड बन गया तो बिहार तो ऑलरेडी एक स्टेट था, तो ये मॉडिफिकेशन आर्टिकल 3 के तहत हो पाया, समझ गया। और मान के चलिए बिहार एक राज्य ही नहीं रहता, फॉर एग्जांपल बोल रहे हैं बिहार एक इंडिपेंडेंट राज्य रहता, नहीं रहता इंडिया का पार्ट फॉर एग्जांपल, और बिहार अगर इंडिया में ऐड किया जाता उस समय में तो किसके तहत होता? आर्टिकल 2 के तहत। कोई दिक्कत है? तो बाउंड्री को छोटा बड़ा करना भी किसके तहत आएगा? आर्टिकल 3 के तहत आएगा। मर्ज करना भी आर्टिकल 3 के तहत आएगा, डीमर्ज करना भी आर्टिकल 3 के तहत आएगा। तो आर्टिकल 3 में बहुत सारा पावर्स दिया गया। इसके अलावा और आपको बताते हैं आर्टिकल 3 के तहत कैसे होता है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए आर्टिकल 3 के तहत किसी भी स्टेट का एरिया को बढ़ाना है या स्टेट का एरिया को घटाना है, समझ आ गया, या कुछ स्टेट्स को और फॉर्म करना उस स्टेट को, कैसे होता प्रोसेस समझिए। जैसे सबसे पहली बात एक बिल आएगा, वो लोकसभा में भी आ सकता है राज्यसभा में भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी हाउस में एक बिल आ जाएगा कि हम मान के चलिए झारखंड का बाउंड्री को बढ़ाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल, तो एक बिल आ जाएगा कि हम झारखंड के बाउंड्री को बढ़ाना चाहते हैं, वो बिल लोकसभा में भी आ सकता है या राज्यसभा में भी आ सकता है। लेकिन ऐसा बिल आने के लिए सबसे पहली बात तो प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन बहुत जरूरी होता है, यानी कि ऐसा बिल लाने के लिए पहले प्रेसिडेंट को कंसल्ट किया जाएगा कि प्रेसिडेंट जी हम ऐसा कुछ बिल लाना चाहते हैं जो झारखंड के एरिया को बढ़ाना या घटाना चाह रहे हैं, तो प्रेसिडेंट अगर हाँ बोल दे कि ठीक है आप ला सकते हो ऐसा बिल, तब फिर वो लोकसभा या राज्यसभा में लाया जाएगा वो बिल। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, प्रेसिडेंट का अप्रूवल जरूरी है, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन जरूरी है, पहले ही यहाँ पर प्रेसिडेंट से बात की है, बाद में नहीं, पहले प्रेसिडेंट से बात करना पड़ता है। तो प्रेसिडेंट से का अप्रूवल हो गया, उसके बाद हम लोग वो बिल को लाएंगे राज्यसभा या लोकसभा में, एक बार वो लोकसभा या राज्यसभा में चला गया उसके बाद फिर वो प्रोसेस आगे बढ़ेगा। उसके बाद जो स्टेट लेजिस्लेचर है, मान लीजिए झारखंड का बात हो रहा था, तो झारखंड का जो स्टेट लेजिस्लेचर है विधानसभा है, वहां पर वो बिल को मतलब उनके संज्ञान में दिया जाएगा कि ऐसा एक बिल आया है जिसमें झारखंड का बाउंड्री को घटाने या बढ़ाने का बात हो रहा है, इसमें आपका क्या राय है, ठीक है ना, उनसे उसका राय पूछा जाएगा और एक फिक्स टाइम दिया जाएगा, कुछ भी टाइम हो सकता है, 1 वीक 2 वीक 3 वीक या 1 महीना, कुछ भी टाइम दिया जा सकता है, और उनको बोला जाएगा आप अपना जो भी थॉट है उसमें बताइए। अब स्टेट लेजिस्लेचर वो अपना थॉट को बताएगी कि हम इससे सहमत है या असहमत है, समझ गया ना, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पार्लियामेंट अपने आप में पूरा इनका मतलब इतना ताकत है बोल सकते हो कि उनका जो भी रिकमेंडेशन उनको वो मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। मतलब स्टेट लेजिस्लेचर ने बात बोला
कि नहीं एरिया को मत घटाइए, एरिया को मत बढ़ाइए, ये बात को पार्लियामेंट मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है पार्लियामेंट पे कि एकदम हर हाल में स्टेट लेजिस्लेचर का बात को मानना ही मानना, समझ गया ना? वो बस रेकमेंड करने के लिए दिया है, उनका रिकमेंडेशन मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। अगर मान लो मानी तो अच्छा बात है, नहीं मानी तो भी पार्लियामेंट अपना जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाएगी और डायरेक्टली अपना जो भी एरिया को घटाना या बढ़ाना था उसको आगे बढ़ा करके अप्रूवल प्रेसिडेंट का लेकर के उसके एरिया को बढ़ा या घटा देगी। और ये प्रोसेस सिर्फ सिंपल मेजोरिटी के साथ हो जाएगा। किसके साथ हो जाएगा? सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी क्या होता है आपको बताए थे, यानी कि 50% ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग। सिर्फ इतना इजी है किसी भी एरिया स्टेट का छोटा या बड़ा करना। तो इसीलिए इंडिया में सेंटर को हम आपको जब बोलते हैं ना, सेंटर को काफी ज्यादा पावरफुल बनाया गया। तो आप देख रहे हैं किसी भी स्टेट का अपने आप में देखा जाए तो कोई अस्तित्व इंडिया में नहीं है। एक्चुअली में बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है कि स्टेट का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। जो अस्तित्व उसको मिला है वो जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव की कन्वीनियंस से उसको बांटा गया है। तो स्टेट्स का अपना देखा जाए तो कोई अस्तित्व नहीं है इंडिया में। स्टेट्स का बाउंड्री को कभी भी घटाया जा सकता है, कभी भी बढ़ाया जा सकता है, कभी भी नाम चेंज किया जा सकता है, कभी भी मर्ज किया जा सकता है, कभी भी डीमर्ज किया जा सकता है, और वो भी सिर्फ सिंपल मेजोरिटी के साथ, मतलब सबसे आसान तरह का जो मेजोरिटी होता है। समझा गया ना? अगर 500 लोग बैठे हुए सिर्फ 251 लोग वोट कर दिए, सिंपल मेजोरिटी हो गया काम। तो इतना सिंपली किसी भी स्टेट्स का नाम को मॉडिफिकेशन वगैरह किया जा सकता है। समझा गया ना? समझना क्या प्रोसेस क्या होता है किसी भी स्टेट का, अगर एरिया में या नाम में या मान के चलिए उससे डीमर्ज करना है तो क्या प्रोसेस होगा? प्रोसेस नंबर 1, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा। प्रोसेस नंबर 2, एक बिल को लाना पड़ेगा, वो लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी जा सकता है। प्रोसेस नंबर 3, वो बिल के बारे में संज्ञान दिया जाएगा वहां के स्टेट लेजिस्लेचर को, जैसे झारखंड के केस में झारखंड लेजिस्लेचर को दिया जाएगा, बिहार के केस में बिहार का लेजिस्लेचर को दिया जाएगा। स्टेप 4, उनका रिकमेंडेशन आएगा एक फिक्स टाइम के दौरान में। अगर वो रिकमेंडेशन दी या नहीं दी उसे पार्लियामेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बस एक फॉर्मेलिटी है। उनका रिकमेंडेशन आ जाएगा, अगर रिकमेंडेशन आया हाँ करिए तो भी सही, रिकमेंडेशन आया मत करिए तो भी कोई बात नहीं, और अगर वो रिकमेंडेशन ही नहीं दी तो भी पार्लियामेंट अपना प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए जाएगा और सिंपल मेजोरिटी के साथ वो बिल को पास करेगा और प्रेसिडेंट ऑब्वियसली उसमें सहमति दे देगा क्योंकि प्रेसिडेंट से पहले ही पूछ करके वो बिल लाया गया था। तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट 100% टाइम सहमति दे ही देते हैं क्योंकि उनका ही अप्रूवल से ये बिल आया था। एक बार प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया ये बिल पास हो जाएगा और अगले ही दिन से उनका नाम या एरिया जो भी करना था वो चेंज हो जाएगा। तो देख रहे हो कितना सिंपल प्रोसेस है। तो इसीलिए बोला जाता है कि इंडिया में राज्यों का अब तक कोई अस्तित्व नहीं है। सुनने में लगता होगा कि सर ये तो बड़ा हार्ड लाइन है ना, लगता होगा कि ये लाइन गलत हो सकता है, बट एक्चुअली में राज्यों को उतना ज्यादा अस्तित्व नहीं दिया गया क्योंकि राज्य बस एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए ही बांटा गया। समझ गया? कोई दिक्कत है यहाँ पर? तो हाँ, स्टेट लेजिस्लेचर से बिल पास नहीं होगा, उसका रिकमेंडेशन के लिए जाएगा, उसको मतलब नहीं आएगा कोई नहीं। बस जैसे आप स्टेट लेजिस्लेचर ना, तो पूछा जाएगा आपसे कि एक बिल ला रहे हैं जिसमें झारखंड का नाम को हम बदलना चाह रहे हैं, मान के चलिए ये झारखंड के एरिया को घटाना या बढ़ाना चाह रहे हैं, आपका क्या राय है? तो स्टेट लेजिस्लेचर अपना राय बताएगी, वहां के मेंबर्स अपना राय बताएंगे कि ये गलत है या ये सही है, जो भी आप बताइएगा। समझ गए ना? आपसे वहां पे मेजोरिटी या सिंपल मेजोरिटी आपसे होगा ही नहीं, बस आपका राय मांगा जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर का, जो वहां के एमएलए लोग का जो राय रहेगा। आपका राय हम सुन भी सकते हैं और आपका राय आप दरकिनार भी कर सकते हैं। हाँ, पार्लियामेंट यानी कि स्टेट्स का फॉर्मेशन में या उसका तोड़ने में या उसका जोड़ने में मेन रोल किसका है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट यहाँ पे सुप्रीम है। पार्लियामेंट अपने हिसाब से स्टेट्स का बाउंड्री को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसको किसी से भी देखा जाए तो पूछने की दरकार नहीं है क्योंकि यूनियन, क्योंकि अगर स्टेट लेजिस्लेचर पूछ रही है भी तो एक फॉर्मेलिटी है, वो नहीं भी बोल रही तो भी तो कर लेगा, तो ये फॉर्मेलिटी है। अच्छा, एक और बात, अगर सेम स्टेट में मान के चलिए फिर से कोई मॉडिफिकेशन करना हुआ, जैसे झारखंड में फिर से कोई मॉडिफिकेशन करता हुआ छोटा है बड़ा, तो इस बार पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर नहीं भी पूछे बिना डायरेक्टली मॉडिफिकेशन भी कर सकती है। समझ गया? मतलब पहला बार अगर आप कुछ करने जा रहे हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर से एक बार फॉर्मेलिटी के लिए पूछना पड़ेगा या बोल दीजिए या उनको संज्ञान में दे दीजिए। दूसरी बार अगर कुछ मॉडिफिकेशन करने जा रहे हो उसी में, तो स्टेट लेजिस्लेचर को बताने का भी नहीं है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। इससे क्या पता चला कि पार्लियामेंट के पास हद से ज्यादा पावर है, कहां पर? इस केस में जब स्टेट का बाउंड्री को बढ़ाया घटाने का बात होता है तो पार्लियामेंट का पावर क्या है, एकदम हद से ज्यादा है यहाँ पर। समझा क्या? आगे बढ़े तो आर्टिकल 3 के तहत क्या क्या हो सकता है? नए स्टेट्स का फॉर्मेशन हो सकता है, बाउंड्रीज का मतलब अल्टरेशन हो सकता है और नेम्स को भी चेंज किया जा सकता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, एमपी आया 1 नवंबर 2000 को, यूपी आया इस डेट में और बिहार से झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000। समझा गया ना? तो ये सारा किसके थ्रू हो पाया था? आर्टिकल 3 के कारण हो पाया था। अब आर्टिकल 4 देखिए, आर्टिकल 4 क्या कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो जो पावर्स हमने पार्लियामेंट को दिया है
उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, यानी कि आर्टिकल 2 के तहत जो भी काम पार्लियामेंट कर रही है, यानी कि नया स्टेट्स को एडमिट कर रही है, और आर्टिकल 3 के तहत जो भी स्टेट्स को वो बना रही है या डिसॉल्व कर रही है या उसको छोटा कर रही है या उसको बड़ा कर रही है, ये सारा प्रोसेस को कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज ये सिंपल मेजोरिटी के साथ किया जा सकता है। तो आर्टिकल 4 ये सामने से क्लियर कर दे रही है कि ये सारा काम करने के लिए जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत हमने पावर दिया है किसको, क्या बोलते पार्लियामेंट को, उसको कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, वो बिल्कुल सिंपल मेजोरिटी से किया जा सकता है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का कोई भी दरकार नहीं पड़ेगा। जैसे कि हम आपको बताए थे ना, कुछ भी करने के लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना या रिमूव करना, उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर नया स्टेट को ऐड करना है तो आपको लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐड कर रहे हैं, तो हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का दरकार पड़ेगा, बट नहीं, अगर हम लोग कोई नया स्टेट को ऐड कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का दरकार नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा आर्टिकल 4 सामने से कह दे रहा है कि जो पावर मैंने आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत दिया है पार्लियामेंट को, उसको आप लोग अमेंडमेंट नहीं मानिएगा, ये सिंपली पावर्स है जो कि हमने पार्लियामेंट को दिया है। समझ गया ना? तो जो भी स्टेट्स को कल को इंडिया मर्ज करती है या कोई भी स्टेट्स का बाउंड्री को तोड़ती है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के थ्रू नहीं किया जाएगा, सिंपल मेजोरिटी के थ्रू किया जा सकता है। समझ गया ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाँ, वही तो बोल रहा है, अमेंडमेंट नहीं हो रहा, इसीलिए तो इस बात को क्लियर कर दे रहा है ना। नहीं बोलता तो करना पड़ता, नहीं बोलता तो अगर आपको स्टेट्स को ला रहे हैं तो आपको हर बार अमेंडमेंट करना पड़ता, अमेंडमेंट 1, अमेंडमेंट 2, अमेंडमेंट 3 बोल दिया है, पर कर सकते हैं, अच्छा 2 और 3 में बोल दिया, बट ये बात को कौन सिद्ध करेगा, कौन सा आर्टिकल ऐसा जो सिद्ध करेगा कि यहाँ पर अमेंडमेंट का दरकार नहीं पड़ेगा? समझाया? 2 और 3 में तो बोल दिया है, तो बहुत बार कंफ्यूजन हो सकता था, कॉम्प्लेक्सिटीज हो जाता। कुछ लोग बोलते कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कि आर्टिकल 2 के तहत जो नया स्टेट को लाना है इसके लिए अमेंडमेंट करना होगा, क्योंकि एक साइड कॉन्स्टिट्यूशन बोलती है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी आपको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना या रिमूव करना, उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, है ना। दूसरी साइड आर्टिकल 2 में लिखा हुआ कि आप कोई भी न्यू स्टेट को एडमिशन भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको नहीं लगता थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो जाता कि कुछ बोलते कि नहीं यहाँ पे अमेंडमेंट चाहिए, कुछ बोलते कि नहीं यहाँ पे अमेंडमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे आप बोल रहे आर्टिकल 2 में तो ऑलरेडी बोला जा चुका है ना, तो आप उसके साथ में रहते कि अमेंडमेंट का दरकार नहीं है, लेकिन हम आपको काउंटर करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो बोलता कुछ भी ऐड या रिमूव करना तो अमेंडमेंट चाहिए, तो मेरा और आप में टसल हो जाता, होता कि नहीं होता। तो इस टसल को दूर करने के लिए आर्टिकल 4 ला दिया गया, कि आर्टिकल 4 क्लियरली कह दे रहा है कि 2 और 3 के थ्रू जो भी काम किया जाएगा उसको कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया, आप जो बोल रहे थे सही हो जाएगा, मेरा बात के यहाँ पर वैल्यू नहीं दिया जाएगा, तो इस बात को हमारा आर्टिकल 4 क्लियर कर देता है। समझ में आ गया? तो आर्टिकल 1 समझ में आया क्या था, यूनियन और इंडिया के बारे में था, उसमें स्टेट्स के बारे में, भारत दैट इज इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। आर्टिकल 2 समझ में आ गया, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स हो गया। आर्टिकल 3 समझ में आ गया, आर्टिकल 4 भी समझ में आ गया। देखिए पीपीटी तो आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन कुछ शॉर्ट चीजें हैं जो आपको लिखना जरूरी है, लिखिए। आप लोग पीपीटी से नोट्स बना पा रहे हैं, बनाते हैं या इसी तरह इसको छोड़ देते हैं, पढ़ लेते हैं जब ब्रैकेट में दीजिए आर्टिकल 1 टू 4, ये हमारा पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है ना, 25 पार्ट है ना, पार्ट 1 में, पार्ट 1 ब्रैकेट देकर के लिखिए आर्टिकल 1 टू 4, और आर्टिकल 1 लिखिए यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 लिखिए यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, उसके बाद लिखिए आर्टिकल 1 स्टेट्स दैट, आर्टिकल 1 स्टेट्स दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, हो गया। आर्टिकल 2 लिखिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, आर्टिकल 2 लिखिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, उसी में डायरेक्ट देकर के लिखिए, when a new state is added in the Indian territory,
in the Indian territory, which was not part of Indian Union, which was not part of Indian Union earlier. कॉमा देकर के लिखिएगा दिस प्रोसेस कैन बी डन वाया आर्टिकल 2. वाया मीन्स होता है के द्वारा, वाया आर्टिकल 2. उसके बाद लिखिए सिक्किम, एग्जाम्पल में लिखिएगा सिक्किम was added to Indian Union by 36th constitutional amendment. By 36th constitutional amendment 1975. Sikkim was added to Indian Union by 36th Constitutional Amendment 1975. आगे देखिए Article 3. Establishment of new states from existing states. देखिए आर्टिकल 3 empowers the parliament. नंबर वन रीनेम एनी स्टेट. नंबर टू चेंज बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट. नंबर तीन मर्ज एनी टू स्टेट. नंबर फोर डीमर्ज स्टेट्स. ठीक है, अब इसी में एग्जांपल क्या क्या है, जैसे आर्टिकल 3 का ही यूज करके हम लोगों ने झारखंड को बनाया बिहार से अलग करके, आर्टिकल 3 का ही यूज करके हम लोगों ने महाराष्ट्र गुजरात को अलग किया, आर्टिकल 3 का ही यूज करके हम लोगों ने यूपी से उत्तराखंड को अलग किया, आर्टिकल 3 का यूज करके बहुत सारे स्टेट्स को हम लोग ऑलरेडी तोड़े हैं, आंध्र प्रदेश से हैदराबाद को तोड़े, तेलंगाना को उससे तोड़े, वो सारा चीज आर्टिकल 3 के मदद से हो पाया. ठीक है, इसके अलावा जितना भी स्टेट्स का नाम चेंज हुआ है, जैसे उड़ीसा का नाम उड़ीसा हो गया है ना, उड़ीसा पहले उड़ीसा बोलते थे, वो RIISSA उड़ीसा, अभी क्या हो गया ODISSA, उड़ीसा पहले था अभी ओडिशा बोलते हैं, तो थोड़ा सा नाम चेंज हुआ है उड़ीसा से ओडिशा, ये आर्टिकल 3 के तहत हुआ. पहले बोलते थे बॉम्बे, बोलते थे ना बॉम्बे, अब बोलते हैं मुंबई, बोलते कि नहीं बोलते. पहले बोलते थे पौंडीचेरी, पहले क्या नाम था PONDY, पौंडीचेरी. ठीक है ना, पहले बोलते थे जो भी है PONDY पौंडीचेरी. ठीक है, अभी क्या बोलते हैं इसको पुडुचेरी. तो ये जो नाम चेंजेस हुआ है ना, कि उड़ीसा का उड़ीसा, बॉम्बे का मुंबई, पुडुचेरी हो गया पौंडीचेरी का, इसी तरह बहुत सारा नाम और भी चेंज हुआ है, तो ये सारा किसके थ्रू आया है, आर्टिकल 3 के वजह से. अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये स्टेट्स को पावर नहीं देता, मतलब ये हमारे पार्लियामेंट को पावर नहीं देता कि आप स्टेट का नाम चेंज कर सकते हो, तो ये सारा जो चेंजेस हुआ ये नहीं हो पाया होता. समझ गया, तो ये सारा आर्टिकल 3 की वजह से संभव हो पाया. अब आप लोगों का क्वेश्चन होना चाहिए कि सर जो रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया जाता है या स्टेट्स के अंदर में नाम बदल दिया जाता है, वो भी क्या आर्टिकल 3 के थ्रू होता है? तो नहीं, स्टेट्स का नाम मतलब सेंटर को पावर दिया गया, स्टेट्स का नाम आप आर्टिकल 3 के थ्रू चेंज कर सकते हैं. ये जो रेलवे स्टेशन और चौक चौराहा का नाम चेंज होता है वो आर्टिकल 3 के थ्रू नहीं होता, वो अपना कोई स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ बनाया हुआ रहता है उसके थ्रू होता है. समझ गया ना, तो वो आर्टिकल 3 के तहत नहीं आएगा. समझ गया ना,
तो अब आपको समझ में आ गया, यानी कि स्टेट्स का नाम को अगर चेंज करना, स्टेट्स का बाउंड्री को अगर चेंज करना, स्टेट्स का अगर मर्ज या डीमर्ज करना, तो वो आर्टिकल 3 का रिक्वायर करेगा। अब कोई स्टेट के अंदर में, जैसे झारखंड के अंदर में कुछ चेंजेस करना है ना, आप भगत सिंह चौक का नाम बदल देंगे कुछ रखना है मान के चलिए, तो ये आर्टिकल 3 के तरह कवर नहीं होगा, वो अपना स्टेट लॉ बनाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर झारखंड का, उसके थ्रू कवर होगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे बढ़े, लिखिए आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 लिखिए, लॉज मेड बाय आर्टिकल 2 एंड 3, लॉज मेड बाय आर्टिकल 2 एंड 3, लॉज मेड बाय आर्टिकल 2 एंड 3, लॉज मेड बाय आर्टिकल 2 एंड 3 शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। Should not be considered as constitutional amendment, ठीक है? मतलब आर्टिकल 2 और 3 में जो भी काम हो रहा है, आर्टिकल 4 बताता है कि उसको constitutional amendment नहीं माना जाएगा। अच्छा, एक बात अब आप लोग से हम पूछते हैं कि आर्टिकल 3 में तो कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत पावर दे दिया गया है कि नहीं, कि आप कोई भी स्टेट को मर्ज कर सकते हैं, डी मर्ज कर सकते हैं, है ना, उसका नाम बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या आर्टिकल 3 स्टेट्स को इतना पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो एक स्टेट को दूसरे देश को दे सकता है? नहीं देता। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या इतना पावर देता है हमारा पार्लियामेंट कि अपने दम पर वो पार्लियामेंट स्टेट्स को ही दे सकता है किसी दूसरे को? नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी कि कहने का मतलब हो गया, हमारा पार्लियामेंट को इतना पावर दिया गया है, कोई स्टेट्स का जो करना चाहता है कर सकता, बट अपना स्टेट्स को किसी दूसरे को सीड नहीं कर सकता, मतलब दे नहीं सकता। जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा। समझ आ गया ना? तो जैसे इसमें कुछ केसेस है, पास्ट में जैसे बेरुबारी का केस है, बेरुबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बेरुबारी एक्चुअल में बंगाल का पार्ट था, ठीक है ना? तो उस समय में जब नेहरू जी थे तब का ये कहानी है। तो बेरुबारी में कुछ ऑब्जेक्शन हो रहा था, एक रेडक्लिफ लाइन के थ्रू इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा किया गया, आप लोगों को पता होगा, रेडक्लिफ लाइन के थ्रू इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा किया गया। तो रेडक्लिफ लाइन के थ्रू जब बंटवारा किया गया है, तो वेस्ट बंगाल में कुछ एरिया ऐसा एरिया आ रहे थे जो पाकिस्तान बोल रहे थे कि ये मेरा पार्ट है रेडक्लिफ लाइन के तरफ, और इंडिया क्लेम कर रही थी नहीं ये मेरा पार्ट है। तो थोड़ा सा समझिए टसल का ये था। तो इंडिया ने देखा कि वो मेरे लिए वो एरिया ऐसे भी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोगों ने कुछ एरिया को पाकिस्तान को एज ए गुड जेस्टर अपना लड़ाई झगड़ा को रोकने के लिए, क्योंकि हम लोग अपना चाह रहे थे कि अपना इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं, उस समय कहा हम लोग वॉर वगैरह करने जाते पाकिस्तान से, तो इसलिए हम लोगों ने कुछ एरियाज को पाकिस्तान को दे दिया था। तो ये हम लोगों ने बेरुबारी केस में किया था, कुछ एरियाज पाकिस्तान को दिया था, ठीक है ना? तो ये जब दिया गया था तो उस समय में ये क्वेश्चन आ गया था कि क्या पार्लियामेंट को इतना पावर है कि वो कोई एरिया को दूसरे स्टेट को दे सकता है? दूसरे स्टेट में समझ रहे ना, हम देश का बात कर रहे हैं, है ना, क्या दूसरे कंट्री को दे सकता है? तो ऐसे में पता चला कॉन्स्टिट्यूशन रीड अच्छे से किया गया कि नहीं, पार्लियामेंट को ये पावर बिल्कुल नहीं है कि वो कोई स्टेट को किसी दूसरे को दे सके। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जितना बात भी करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ भी हम लोगों ने कुछ इंक्लेव्स का अभी रिसेंट में 2015 में क्या बोलते हो लेन देन किया था, मतलब कुछ इंक्लेव्स जो इंडिया के पास थे वो बांग्लादेश में मतलब क्लेम कर रही थी, और कुछ बांग्लादेश के पास थे जो इंडिया में आए, तो मतलब हम लोगों ने एक्सचेंज ऑफ इंक्लेव्स किया। इंक्लेव्स क्या होता है, जैसे मान के चलिए ये पूरा इंडिया है और बीच में यहाँ पे छोटा सा एरिया मान के चलिए यहाँ पर कोई ऐसा लैंड है जो बांग्लादेश का है, तो ऐसे इसको इंक्लेव्स कहते हैं। यानी कि जैसे आप समझ लीजिए इंडिया और बांग्लादेश, पहले पूरा इंडिया था, पाकिस्तानी साइड कोना में है, और बांग्लादेश जो है जो अभी ईस्ट पाकिस्तान है वो क्या था, वेस्ट बंगाल से सट के था, तो ऐसा लग रहा था पूरा इंडिया के अंदर में वो आ रहा था, और पाकिस्तान एक उधर था और एक इधर था। तो ऐसे पोर्शन मान के चले जो ये पूरा एक कंट्री है और यहाँ पर कोई ऐसा एरिया आता है जो दूसरे देश क्लेम करते हैं, तो इसको इनक्लेम कहा जाता है। तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि हम लोग बोल देते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये हमको दे दीजिए और आपकी कंट्री में जो पार्ट आ रहा मेरा उसको आप ही रख लिए, तो इसको एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स कहा जाता है। तो हम लोगों ने रिसेंटली 2015 में एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स भी किया था बांग्लादेश के साथ, समझ आ गया ना? तो ये भी जो एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स हुआ था वो भी किसके थ्रू हुआ था, आर्टिकल क्या बोलते हैं सॉरी आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था। तो यानी कि पार्लियामेंट को बिल्कुल भी ये पावर नहीं है कि वो अपना कोई स्टेट को दूसरे स्टेट को दे सके, समझ आ गया ना? अपने कंट्री में जो भी इसको करना है वो कर सकती है आर्टिकल 3 के तहत, और आर्टिकल 2 के तहत कोई नया स्टेट को ले तो सकती है बट देने का अधिकार नहीं है। मतलब आर्टिकल 2 के तहत ले लो कोई भी कंट्री को, आर्टिकल 3 के तहत अपना देश में जो मॉडिफिकेशन करना कर लो, आर्टिकल 4 बोल देगा हम दोनों को बचा रहे हैं, आर्टिकल 2 और 3 में जो भी किया गया उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, लेकिन देने का कहीं पर भी प्रावधान नहीं है। तो जब भी हम लोग कोई स्टेट को देंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट उसके लिए करना पड़ेगा। यहां तक कोई डाउट है किसी को? समझ आ गया ना? तो लिखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट है,
देखिए बेरुबारी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट 1960 लिखिए द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 does not give parliament the right to give away any part of India to other country. The Supreme Court said that in such cases, constitutional amendment should be done. Constitutional amendment should be done. है ना? That is why 9th constitutional amendment. That is why 9th Constitutional Amendment 1960 took place. And Berubari area was given to Pakistan. ठीक है, उसके बाद लिखिए एक और पॉइंट, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015। हाँ, मतलब अगला पॉइंट मैं लिखी ना, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015। इसमें लिखिए इंडिया गेव 111 इनक्लेव्स टू बांग्लादेश। इनक्लेव्स 111 ENCLAVES इनक्लेव्स टू बांग्लादेश एंड गॉट 51 एरियाज। और बदले में हम लोगों ने 51 एरियाज को लिया बांग्लादेश से, 51 एरियाज एंड गॉट 51 एरियाज 51 एरियाज डाटा का सौदा कर लिया ना। तो 111 इनक्लेव्स हम लोगों ने दिया और 51 को हम लोगों ने लिया। ये हम लोगों ने किया 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। क्यों अमेंडमेंट करना पड़ रहा है नीड? क्योंकि हम लोग कोई नया एरिया को सीड कर रहे हैं। सीड मींस होता है देना। तो जब भी कोई नया एरिया को दिया जाएगा तो हम लोग को सीड कर रहे हैं, तो हम लोग को ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? तो आर्टिकल 1 2 3 एंड 4 समझ में आ गया क्या है? आर्टिकल 1 क्या बोलता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 2 बोलता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 3 बोलता है कि आप इंडियन एग्जिस्टिंग स्टेट्स में कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आर्टिकल 4 बोलता है कि ये सारा पावर जो मैंने पार्लियामेंट को दिया है इसको कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। तो आर्टिकल 1 2 3 एंड 4 काफी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है? अब आर्टिकल 5 पढ़ने से पहले, आर्टिकल 5 एक्चुअली में सिटीजनशिप स्टार्ट हो जाता है, तो उसको पढ़ने से पहले हम लोग को जानना होगा स्टेट्स का किस तरह से रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था इंडिया में जब हम लोग का देश आजाद हो रहा था। क्योंकि स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना किस तरह से था वो हम लोग अब आगे देखेंगे, ठीक है? तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट अब आप लोगों का नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा आर्टिकल 1 2 3 एंड 4, ठीक है? ये पार्ट 2 में आएगा क्या? पार्ट 2 वो तो सिटीजनशिप में है, पार्ट 2 अभी सिटीजनशिप स्टार्ट करने का पार्ट स्टार्ट होगा। अभी देखो ये 1 2 3 4 के बाद ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पढ़ने से फिर आगे का चैप्टर्स का जो है ना वो हमारा बेस तैयार होगा। हां, तो मतलब इसीलिए ये पढ़ना जरूरी है क्योंकि इससे हमारा आगे का बेस तैयार हो जाएगा।
आज नहीं कल इस चीज़ में इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे, आज बस आप लोगों को बता दे रहे हो समरी क्या था। तो देखिए जब हमारा देश आजाद हुआ ना तो ब्रिटिशर्स ने चार पार्ट में इंडिया को बांट के रखा हुआ था, ठीक है। आज बस थोड़ा सा स्टोरी सुन लीजिए, कल हम लोग इसको नोट डाउन करेंगे और ज्यादा लिखेंगे। तो क्या है कि ब्रिटिशर्स ने चार भाग में इंडिया को बांट के रखा हुआ था, ए बी सी और डी, चार स्टेट्स इस तरह से बांटे गए थे। जनरली ए में कैसे स्टेट थे जो ब्रिटिश डायरेक्टली गवर्न करती थी, बी वाले में कैसे स्टेट थे जो जनरली आपको जाकर के प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, और सी और डी में अलग अलग स्टेट्स कुछ हुआ करते थे। डी में सिर्फ एक ही स्टेट था जिसको यूनियन टेरिटरी बुलाया जाता था, अंडमान एंड निकोबार बुलाया जाता था। एक्चुअली में वो पीपीटी होगा, दिखाते हैं। देखिए पार्ट ए में क्या क्या स्टेट्स थे, ये सारा स्टेट्स पार्ट ए का भाग थे, ठीक है। पार्ट बी में ये सारा स्टेट्स पार्ट बी का भाग थे, पार्ट सी में ये सारे स्टेट्स पार्ट सी का भाग थे, और पार्ट डी में सिर्फ आपका अंडमान निकोबार था, ठीक है। अंडमान निकोबार सिर्फ पार्ट डी में था। तो इस तरह से पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, ये चार पार्ट में उस समय में हमारा स्टेट्स को ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। तो बात ऐसा उठा कि स्टेट्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेट्स का ऑर्गेनाइजेशन था वो बहुत ही अब्रप्ट वे में था, मतलब कोई सिस्टमेटिक वे में स्टेट्स का अस्तित्व यहाँ पर नहीं था। तो कुछ सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, या तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे होना चाहिए, कल्चरल बेसिस पे होना चाहिए, ज्योग्राफिकल बेसिस पे होना चाहिए, या फाइनेंशियल बेसिस पे होना चाहिए। किस बेसिस पे स्टेट्स का डिवीजन हो, जैसे झारखंड बिहार से अलग है तो किस चीज में अलग है, कैसे अलग है ना, ज्योग्राफिक बाउंड्री के थ्रू अलग है या लैंग्वेज के थ्रू अलग है, कि झारखंड में झारखंडी बोला जाता है इसलिए ये स्टेट झारखंडी हो गया, बिहार में बिहारी बोला जाता है तो वो स्टेट थोड़ा सा बिहार शाही हो गया, मतलब मैथिली वहां पे बोला जाता है, झारखंड में संथाली बोला जाता है। तो लैंग्वेज के बेसिस पे दो स्टेट्स को बांटा जाए, ज्योग्राफिक बाउंड्री के बेसिस पे बांटा जाए, फाइनेंशियल कंडीशन के बेसिस पे बांटा जाए, आखिर बांटने का तरीका होगा क्या। तो इसके लिए हम लोगों ने स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन का बिल वगैरह लाया बाद में, और इसका फिजिबिलिटी देखने की कोशिश की कि किस तरह से स्टेट्स का बंटवारा हो सकता है। तो शुरू में बात होता है कि स्टेट्स का बंटवारा लैंग्वेज के बेसिस पे होना चाहिए, इसके बेसिस पे होना चाहिए लैंग्वेज, भाषा के बेसिस पे। यानी कि अगर मान के चलिए इस ज्योग्राफिक बाउंड्री में तमिल बोला जाता है तो इसको इस ज्योग्राफिक बाउंड्री में अगर तेलुगु बोला जाता है तो इसको सेपरेट कर दो, यहाँ वाले को तमिल का कोई अलग स्टेट मिल जाएगा, यहाँ वाले लोगों को कोई अलग स्टेट मिल जाएगा। अगर यहाँ के लोग बंगाली बोलते हैं तो उनका अलग स्टेट कर दो, यहाँ के लोग अगर संथाली बोलते हैं तो उनका अलग स्टेट कर दो। तो शुरू में बात ऐसा होता कि क्या लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को बांटा जा सकता है, क्वेश्चन मार्क। तो अलग अलग कमीशन आई और देखी कि क्या लैंग्वेज के बेसिस पे हम लोग स्टेट्स को बांट सकते हैं। तो उस कमीशन में हम लोगों ने कुछ कुछ लाया, सबसे पहले आई धार कमीशन। धार कमीशन में कुछ मेंबर थे, कल पढ़ेंगे उसके बारे में। धार कमीशन ने सबसे पहले खोलने की कोशिश की कि क्या स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे बांटा जा सकता है। तो धार कमीशन ने अपनी पूरी स्टडी की और बताया कि स्टेट्स को जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पे बांटना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इससे इंडिया का कल्चरल डाइवर्सिटी खतरे में आ जाएगी। क्योंकि अगर एक स्टेट दूसरे स्टेट को लैंग्वेज के बेसिस में पहचानेगी तो बहुत मुमकिन है कल को एक स्टेट दूसरे स्टेट से अपने आपको बिल्कुल अलग ही समझे कि हम बाबू अलग ही हैं, तुम बाबू अलग ही, क्योंकि तुम लोग तमिल बोलते हो, तेलुगु बोलते हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं हार्म हो जाएगी, इसीलिए लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स को हम लोग नहीं बांटेंगे, हम लोग ज्योग्राफी बाउंड्री के हिसाब से बांटेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से बांट सकते हैं, बट लैंग्वेज के हिसाब से हम लोग स्टेट्स को नहीं बांट सकते। ये धार कमीशन ने रिपोर्ट दिया, ठीक है। उसके बाद फिर एक नया कमीशन बनाया गया, जेवीपी कमेटी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी मतलब वहां के मेंबर थे, उनको भी कमेटी का भाग पार्ट बनाया गया। उनसे पूछा गया कि क्या स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर बांटा जा सकता है, क्योंकि हर जगह से ये ऑब्जेक्शन उठ रहा था कि हम लोगों को लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट्स को बांटना है। आंध्र प्रदेश अलग, वहां पे स्ट्राइक चल रहा था, वहां पर सुनवा गया ना, अलग अलग स्टेट में लोग अलग अलग हड़ताल में थे कि हमको स्टेट्स के नाम पर मतलब लैंग्वेज के नाम पर स्टेट्स को चाहिए। तो फिर से जीबीपी कमेटी बनाई गई और देखा गया कि क्या लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट्स को बांटा जा सकता है। तो वो कमेटी ने भी इंडिया को अच्छे से स्टडी किया और पाया कि नहीं, लैंग्वेज के हिसाब से बांटने से प्रॉब्लम होगा, वही ज्योग्राफी बाउंड्री और वही तरीका जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके हिसाब से ही स्टेट्स को बांटना चाहिए। नहीं, अब ये बताएंगे आपको आगे कि मतलब फाइनेंस के हिसाब से तो बांटे भी नहीं है, ज्योग्राफी बाउंड्री के हिसाब से ज्यादातर हम लोग बांटे हैं, ठीक है ना। तो वो स्टेट्स को बांटने के लिए कुछ तो तरीका होना चाहिए ना, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन का बात नहीं होगा। एक स्टेट दूसरे स्टेट से हमको एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे अलग करना है कि हम लोग को राज्य को चलाने में आसानी हो, तो राज्य को चलाने में आसानी तो कुछ तो तरीका अप्लाई करना होगा जो सबसे कम ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी हो। लैंग्वेज सबसे कम डिस्क्रिमिनेटरी है या फाइनेंस सबसे कम डिस्क्रिमिनेटरी है, ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से बांटा जाए, बांटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बिना बांटे इतना बड़ा भारत देश को आप चलाइएगा कैसे, अभी बताए ना। बिना बांटे इतना बड़ा भारत देश का एक ही प्राइम मिनिस्टर रहता, कोई चीफ मिनिस्टर ही नहीं रहता मान लीजिए। तो क्या एक आदमी के लिए पॉसिबल होता है ये पूरे 2800 स्टेट को गवर्न करना, नहीं। तो कुछ तो कंडीशन होना ही चाहिए जिसमें आपको बांटना पड़ेगा। यहाँ पर बांटना मीन्स ऐसा कोई बांटना नहीं हो गया कि आपको सेपरेट कर दे, यहाँ पर बांटना मीन्स उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बांटना, आपको पहले बता रहे हैं, कन्वीनियंस के लिए अपना बांटना कि देश चलाने में हमको आसानी हो, ये सेंस है बांटने का। बांटना मीन्स यहाँ पर वो बांटना मत समझिए कि एक स्टेट को दूसरे स्टेट से अलग कर रहे हैं, समझ गया ना, यहाँ बस एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए अलग कर रहे हैं,
तो फिर फजल अहमद कमीशन आया, जेपीपी कमेटी ने भी बोल दिया कि नहीं लैंग्वेज के हिसाब से नहीं बांटा जा सकता है। इसी में आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति थे कांग्रेस के, ठीक है ना, पोटली सीता कुछ था, सीतारमन ऐसे करके नाम, नाम हमको पूरा अच्छे से याद नहीं आ रहा, सीतामा राजू शायद ये नाम था। तो वो 56 दिन के स्ट्राइक में बैठ गए और 56 दिन का आमरण अनशन में बैठ गए कि हमको स्टेट चाहिए लैंग्वेज के बेसिस पर। तो पहला स्टेट आंध्र प्रदेश बन गया जो तेलुगु स्पीकिंग से अलग होकर के बना। और जब वो बन गया 1953 के आसपास में, और वो 56 दिन के स्ट्राइक के बाद बेचारे का डेथ हो गया था, इसीलिए बहुत ज्यादा मतलब ये होने लग गया, हंगामा होने लग गया। तो लास्ट में गवर्नमेंट को डिसीजन लेना पड़ा था कि लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट को बांटना पड़ेगा, क्योंकि वो 56 दिन के स्ट्राइक में थे और उनका डेथ हो गया था। तो आंध्र प्रदेश को पहला स्टेट बना दिया गया लैंग्वेज के बेसिस पर। जैसे ही आंध्र प्रदेश को लैंग्वेज के बेसिस पर बनाया गया तो अलग अलग इंडिया का हिस्सा से अलग अलग आवाज उठने लगे। वेस्ट बंगाल बोलने लगे हमको भी लैंग्वेज के हिसाब से दीजिए, हम भी स्ट्राइक में जा रहे हैं, ठीक है ना। वो बोल रहे हम भी स्ट्राइक में जा रहे हैं, हमको भी लैंग्वेज के हिसाब से बांटिए। तो सब स्टेट देखिए कि ठीक है, अगर आमरण अनशन करने से फुलफिल हो रहा मांग, तो सब स्टेट बोल दी हम भी करेंगे आमरण अनशन, हमको भी स्टेट चाहिए, ठीक है ना, लैंग्वेज के बेसिस पे। तो लास्ट में गवर्नमेंट को एक फजल अली कमीशन लाना पड़ा, जो उसको देखना पड़ा कि आप जाकर के देखिए क्या स्टेट को लैंग्वेज के बेसिस पे बांटा जा सकता है। तो पहले धार कमीशन आई जो लैंग्वेज के हिसाब से बांटने के लिए मना करती, फिर जेपीपी कमेटी आई वो भी मना करती, फिर फाइनली आई फजल अली कमीशन जिसको स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी बोला जाता। इन्होंने पढ़ा इंडिया को, इनका भी मन तो नहीं था बोलने का, बट क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा था तो इन्होंने बोला कि ठीक है लैंग्वेज के बेसिस पे इंडिया को बांटा जा सकता है, स्टेट्स को बांटा जा सकता है। लेकिन इन्होंने कुछ शर्त रख दिया, लैंग्वेज के हिसाब से बांट रहे इसका मतलब ये मत समझिएगा वन लैंग्वेज वन स्टेट होगा, मतलब ये नहीं सोचिएगा कि एक राज्य में एक ही भाषा बोला जाएगा। जैसे आपको देखने को मिलेगा एक जमाना था जब वहां पर महाराष्ट्र में जो लोग मराठी बोलते थे उनको जगह दिया जाता, मराठी जो नहीं बोलते थे उनकी स्टेट से बाहर किया जाता था। जो लोग काम करने जाते थे झारखंड से यूपी से, अगर उनको मराठी नहीं आता था तो उनको मार करके भगाया जाता था कि आपको मराठी नहीं आता आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो ये चीज के खिलाफ थी कौन, फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन ने बोला कि ठीक आप स्टेट्स को क्या बोलते हो इसके बेसिस पे लैंग्वेज के बेसिस पे बांट सकते हो, बट सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम लोग बांट रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि अगर एक स्टेट में बंगाली बोला जाता है या एक स्टेट में मराठी बोला जाता है तो वो सिर्फ मराठी और बंगाली का वो शहर हो गया, यहाँ पर झारखंड का लोग या संथाली लोग नहीं आ सकते या यहाँ पे नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से लैंग्वेज पे बांट दे रहे हैं फिलहाल के लिए, लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट वाला फॉर्मूला नहीं रहेगा। कल्चरल होमोजेनिटी हमेशा बना रहेगा, इक्वेलिटी हमेशा बना रहेगा, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम लोग लैंग्वेज के बेसिस पे बांट रहे हैं। तो ये फाइनली एक्सेप्ट किया गया और उस बेसिस पर बहुत सारे लैंग्वेज को अलग अलग करके, गुजरात से गुजराती स्पीकिंग पीपल, उधर मराठी स्पीकिंग पीपल को, उधर तेलुगु वाले को, उधर तमिल वाले को, है ना, इधर उड़िया वाले के लिए उड़ीसा हो गया। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि लैंग्वेज के बेसिस पर फिर हमारा स्टेट्स का फॉर्मेशन होने लग गया। समझ गया, ये हम लोग कल की क्लास में डिटेल में देखेंगे कि स्टेट्स को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया था। ए बी सी डी जो रैंडमली था, ए में कोई भी स्टेट है, बी में कोई भी स्टेट है, सी में कोई भी स्टेट है, बेचारा डी अंडमान निकोबार अकेला बैठा हुआ है तो बेचारा भी बोल रहा है कि हमको क्यों अकेले यहाँ पे छोड़ दिए, तो सबको कहीं किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है, तो ये हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। समझ गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बस आजादी के बाद ही स्टार्ट हुआ। 1947 के बाद हम लोग को दरकार था स्टेट्स को किस हिसाब से बांटे, ए बी सी डी करके तो ब्रिटिश अपने हिसाब से रखा था, हम लोग ए बी सी डी करके नहीं ना गवर्न कर सकते थे, तो हम लोग किस हिसाब से गवर्न करते, तो हम लोग को अपना भी कुछ नीड था, तो इसीलिए हम लोगों ने बोला कि हम लोग एक अपना तरीका होगा स्टेट्स को बांटने का। समझे ना, तो लैंग्वेज बाद में वो एक एक्चुअली में देखा गया कि लैंग्वेज के हिसाब से बांट देना ज्यादा फीजेबल होगा। समझे ना, लेकिन लैंग्वेज के हिसाब से बांटना मतलब ये नहीं हो जाता कि एक स्टेट में एक ही लैंग्वेज बोला जाएगा और उन्हीं का हो जाता है, लैंग्वेज बस एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बांटा गया, ठीक है। तो कल के क्लास में हम लोग ये चीज को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। आर्टिकल 1, 2, 3, 4 ये सब में कोई डाउट तो नहीं होगा आप लोगों को, है क्या? देखा वो एक